देखिए भाई, क्लास 7 स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। क्लास 7 जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही है 9.4, ठीक है। 6 क्वेश्चन तक हम इसमें करा चुके हैं आपको, आज हम 7 to 11 कंप्लीट कर देंगे, यानी 6 नहीं 5 क्वेश्चन तक कराए हैं। तो पेज नंबर है ये 105, पेज नंबर है इसका 105, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 6 कराते हैं। बुक अपनी खोल करके सामने रखें, मोबाइल के साथ रखें बुक को। क्वेश्चन 6 है कि 60 वोमेन स्पेन 48 केजी ऑफ कॉटन बाई वर्किंग 8 आवर डेली, यानी 8 आवर पर डे। तो बनाते हैं टेबल। यहाँ पर वोमेन है, ये वेट है या केजी हम डाल लें, वेट है और ये है डेज। तो इनके पूरे पूरे नाम लिख लेना, डब्लू मत लिखना, डब्लू का मतलब वोमेन लिखना आप पूरा। तो 60 वोमेन है, 48 केजी कॉटन है और 8 आवर, ये 8 आवर है डेली। इस ये इसको आप मान लीजिए, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको ये टाइम है तो हम इसको टाइम लिख लेते हैं, टाइम 8 आवर। आगे देखते हैं, आगे हैं 30 वोमेन और 12 आवर, हाउ मैनी कॉटन, हाउ मच कॉटन। तो हमने मान लिया एक्स के जी। अब देखते हैं इनका रेशो कैसे होगा, इन्वर्स होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो पहले इनका और इनका देखें, ठीक है, इन दोनों का देखते हैं। 8 घंटे में 48 केजी, तो 12 घंटे में कितने, यानी टाइम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ वेट भी बढ़ेंगे, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी कि ऊपर की तरफ को हम एरो लगाएंगे तो दोनों तरफ हमें ऊपर ही लगाने पड़ेंगे। अब इसका और इसका देखते हैं इनका रेशो कैसा है। 60 वोमेन 48 केजी है, तो 30 वोमेन, जब वोमेन कम हो जाएंगे तो वजन भी कम हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट है ये भी, तो इसका भी हम ऊपर की तरफ एरो लगा देते हैं। अब हम वैल्यू फिल कर लेते हैं, बस यही चीज़ समझनी थी हमको। तो ये हो गया x अपॉन 48 इज इक्वल टू 30 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 8। बस यहाँ के बाद आपको पता है क्या करना है, यहाँ के बाद क्या करना है, यहाँ के बाद आपको सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ से, कितना कैलकुलेशन करोगे तो निकाल लेना कितनी आएगी, 36 आनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन 7। देखिए इस वीडियो में हम आपके कुछ क्वेश्चनों को छोड़ेंगे भी जो आपके लिए जो सिंपल होंगे। तो क्वेश्चन 7 है, इफ़ द प्राइस ऑफ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड, एक कारपेट है जो 8 मीटर लंबा है 3 मीटर चौड़ा है, उसका रेट है 1572, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। तो एरिया की बात की जा रही है इसमें, और किसकी बात की जा रही है, प्राइस की। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को आसान बना लेते हैं, थोड़ा सा आसान कैसे बनाएं, इस तरह से टेबल बना लेते हैं और दो ही चीज़ की बात करेंगे, एक तो एरिया की और एक रेट की। तो एरिया देखिए कितना है, ओरली हम बता देते हैं, 8 मीटर लंबा है 3 मीटर चौड़ा है, तो जो भी कारपेट है वो रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इन टू बी, तो 8 + 24 = 24 हो गया। 24 का रेट कितना है, 1572। तो इसको आप ये मत समझना कि 24 उसमें नहीं है तो वो कहाँ से आया, क्योंकि ये एरिया है, एरिया एल इन टू बी होता है, लंबाई और चौड़ाई की हमने मल्टीप्लाई कर दी तो 3 + 24 हो गए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसका कारपेट का लॉन्ग लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 6 = 72, तो कितना रेट होगा। जब एरिया बढ़ेगा तो रेट भी तो बढ़ेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, एरो लगा दीजिए ऐसे, और आगे की कहानी आप जानते हैं क्या करना। क्वेश्चन नंबर 8, 15 लेबर अर्न 20,250 इन 9 डेज। बना लीजिए टेबल, यहाँ पर है, नहीं गलत हो गया भाई, हाँ 3 खाने बनाओ उसके, 3 कॉलम बनाओ, डिवाइड करोगे तो ये वर्कर हैं या लेबर मान लीजिए, यहाँ पर रेट है
और यहाँ पर है डेज, पूरा नाम लिखना है इनका। तो 15 अगर लेबर काम करती है तो 20,250 रुपये अर्न कर लेती है, कितने दिन में, 9 दिन में, ठीक है। अगर यही काम इसको 12 दिन में करना हो और 10 लेबर हो तो कितना अर्न करेगी, ये हमको बताना है। अब पहले हम रेशो देखते हैं, ये कैसा है इनका रेशो, इन दोनों का रेशो कितना है। तो 9 दिन में 20,000 कमते हैं, 20,250, तो 12 दिन में ज़्यादा कमेंगे, यानी दिन बढ़ेंगे तो क्या होगा, रेट, नंबर ऑफ रेट भी बढ़ेगा, तो ये ऊपर तो ये भी ऊपर, दोनों ऊपर साइन लगेंगे। फिर इसका इसके साथ देख लेते हैं भाई, 15 वर्कर इतने कमाते हैं, 10 वर्कर, तो जब वर्कर कम हो जाएंगे तो रेट भी कम हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है जो इसका है वो ही इसका होगा। अब इनको आप वैल्यू रखिए और सॉल्व कर दीजिए, तो वैल्यू आएगी x अपॉन 20250 इज इक्वल टू 10/15 इंटू 12/9। इसके आगे आप जानते ही हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है कि 70 मैन कैन कंप्लीट 150 मीटर लॉन्ग वॉल इन 20, कर लेना भाई, डू सेल्फ। आसान सा सवाल है, पीछे हम कर चुके हैं, 125 में भी कर चुके हैं इस तरह का। 9 क्वेश्चन करिए खुद से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर 18 एनिमल है 6 वे, इसको भी फॉर्मेट बना देते हैं, है तो वैसे ये भी ऐसा ही, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भी। यहाँ पर लिख लें हम एनिमल, एक तरफ लिख लें रेट और एक तरफ लिख लें हम वीक, W से मतलब वीक है। तो कितने एनिमल हैं, 18 एनिमल हैं, 2700 रुपये है और 6 हफ्ते हैं। इसके बाद 24 एनिमल हैं, 8 हफ्ते हैं, रेट क्या है, एक्स हमने मान लिया, ये फिल कर ली। अब इनके बाद रेशो देखिए इनका, इनका कैसा रेशो है, तो इनका रेशो जो होगा 6 हफ्ते में इतने हैं, तो हफ्ते बढ़ जाएंगे तो रेट भी बढ़ जाएगा, इसका मतलब डायरेक्ट है, ऊपर की तरफ लगा दो। इसके बाद इनका और इनका देखते हैं, 18 एनिमल यानी 18 एनिमल 2700 रुपये, तो 24 ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा होंगे, तो एरो ऊपर ही जाएगा। इसके बाद आप जानते ही हैं एक्स अपॉन 2700 इज इक्वल टू 24/18 इंटू 8/6, बस कर लीजिए मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर होगा। और 11 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, करना कैसे है समझ लीजिए। ए कॉन्ट्रैक्टर गॉट ए कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड ए बिल्डिंग इन 30 डेज, यानी एक कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया है 30 दिन में कंप्लीट करके देने का, एंड एम्प्लॉयज 20 मैन टू बी वर्क, और उसने 20 आदमी लगा दिए काम पे, और 1/4 वर्क वॉज कम्प्लीट इन 10 डेज, 10 दिन में 1/4 एक चौथाई वर्क कम्प्लीट होता है, हाउ मैनी मोर मैन बी एम्प्लॉयड टू सो दैट द वर्क बी कम्प्लीटेड इन द सफिशेंट टाइम, यानी हमारा जो टाइम गिविन है उसमें ही वर्क कम्प्लीट हो जाए, तो उसको कितने आदमी कितने लेबर और लगा देनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन को समझना ध्यान से जरा, यहाँ पर है वर्कर, मान लीजिए ये हैं वर्कर हैं, और नंबर ऑफ डेज यहाँ पर है वर्क, ठीक है। पहले कितने आदमी लगे हैं, कितने आदमी लगे हैं, 20 आदमी लगे हैं, कितना वर्क कंप्लीट हुआ है, 1/4, ठीक है, कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, 10 दिन में, याद रखना कि वर्क जो 1/4 कंप्लीट हुआ है 10 दिन में हुआ है, 30 और 20 आदमियों ने मिलकर के किया है। अब कितने दिन बचे हैं हमारे पास, कितने दिन बचे हैं, हमको 30 दिन में काम कंप्लीट करके देना है, 10 दिन तो हमारे निकल चुके, तो हमारे दिन बचे हैं अब 20, ठीक है। हमने मान लिया एक्स मजदूर काम और करेंगे, और अभी कितना वर्क बचा हुआ है, 3/4 वर्क बचा हुआ है अभी,
तो ये हमने एंट्री फिल कर ली। इसके बाद इनका इनका देखें क्या रेशो आता, 20 मजदूर 10 दिन लगाते हैं तो 10 दिन में तो कम मजदूर लगेंगे, यानी कि अपोजिट रेशो है, इनवर्स रेशो है, तो इसको हम ऊपर लगाएं तो इसको नीचे लगाना पड़ेगा, इनवर्स है। इसके साथ इसको देखें हम तो कैसे करेंगे, 20 दिन में एक चौथाई वर्क होता है 1/4, तो 3/4 वर्क कितने दिन में होगा, तो 3/4 वर्क, जब वर्क बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ ये भी बढ़ जाएंगे, तो ये दोनों कैसे होंगे हमारे इनवर्स होंगे, तो ये ऊपर को है तो ये भी ऊपर को होगा। ठीक है, हम इसकी एंट्री को फिल करेंगे अब, तो ये हो जाएगा x upon 20 is equal to 10/20 into ये हो जाएगा 3/4 upon 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, ये आएगा 3। ठीक है, तो 20 से तो ये 20 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ गई 30, यानी 30 आदमियों को काम करेंगे। अब उसने पूछा है कि कितने आदमी बढ़ाए जाएं, तो 20 तो पहले से ही लग रहे हैं, 20 तो पहले से ही लगे हुए हैं, तो 10 और उसको बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, 10 आदमी और बढ़ाने पड़ेंगे। पूरा सेंटेंस बना के लैंग्वेज बना कर लिख लेना, क्योंकि यहाँ पूरी लैंग्वेज लिखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो शॉर्टकट में केवल हिंट दिया बस। अब इस हिंट को समझने के बाद आप अपने क्वेश्चन को अपने तरीके से बनाओ, किस तरह की लैंग्वेज बनाते हो आप, उसको आप करिए बना करके और उसको फिर भेजिए, चेक करते हैं कैसा बना रहे हो। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट और यूनिट भी कंप्लीट। नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे जब, तो पहले इसकी आप नोटबुक कंप्लीट कर लें।